हाय व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटाबेस फंक्शंस के बारे में बताएंगे। अब इससे पिछला वीडियो जो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया तो आप पहले प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि उसमें हमने डेटाबेस फंक्शंस के जो बेसिक कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस किया था। और हमने ये आपको कहा था कि जो डेटाबेस फंक्शन है इसमें एक डेटाबेस होता है, जिस तरह हमारे पास ये डेटाबेस है, इसको हमने यहाँ पर नेम रेंज में इसको डेटा का नाम दिया है या नेम दिया है। इसके अलावा एक इसमें क्राइटेरिया होता है, ये जो हमारे पास क्राइटेरिया है ये इसको मैंने रीनेम किया है CRIT या क्राइटेरिया, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। तो ये पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, और इसको हमने डिटेल में क्राइटेरिया और डेटाबेस के जो कंपोनेंट्स हैं और फिर इसका जो ऑपरेशंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अब इस फंक्शन, ये जो वीडियो है इसमें हम आपको जो डेटाबेस फंक्शंस हैं उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह डेटाबेस जो फंक्शंस हैं वो काम करते हैं। तो सबसे पहले डी एवरेज फंक्शन है, उसको हम यहाँ करके देखते हैं। डी एवरेज फंक्शन जो है ये किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पर, जिस तरह हमारे पास ये जो क्राइटेरिया है, अब यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्टर्स को अलग करके यहाँ पे एक और जो क्राइटेरिया है कैलकुलस जो है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। आप क्लास जो है ये कैलकुलस की क्लास में हम एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ग्रेड के बेसिस पर यहाँ इस डेटा से। तो सबसे पहले इज इक्वल टू डी एवरेज। अब डी एवरेज फंक्शन में डेटाबेस हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर ये डेटाबेस है, इसको मैंने डेटा ये देखें, इसको मैंने डेटा रेंज का जो नेम दिया था। इसके बाद फील्ड है, फील्ड हमारे पास किस बेसिस पर हम ये जो ग्रेड्स हैं इसको हम एवरेज करना चाह रहे हैं, तो ये फील्ड हमारे पास क्या है, ग्रेड है। इसको आप इन्वर्टेड कामाज में लिखें, एक GRADE। इसके बाद कॉमा, और क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया हमारे पास ये क्राइटेरिया है, ये CRIT, मैंने इसको नेम रेंज में कन्वर्ट किया था। और इसके बाद आप क्लोज कर लें और एंटर कर दें। ये देखें 81, कैलकुलस के क्लास में ये जो ग्रेड्स है एवरेज ग्रेड्स वो क्या है, 81 है। अब आप यहाँ पर इंस्ट्रक्टर इसके साथ भी दे सकते हैं कि कैलकुलस के क्लास में मिस्टर ये जो क्रिसडेल है ये सेकंड हमारे पास क्राइटेरिया होगा, आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें क्रिसडेल। ये देखिए 80, क्रिसडेल के बगैर 81 था। और अब क्रिसडेल को अगर हम सेकंड क्राइटेरिया इंसर्ट कर लें, कंट्रोल वाई से मैं ये क्रिसडेल को अगर आप दोबारा से यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लें, ये देखिए 81 आ रहा है। अब आप यहाँ पर कोई अकाउंटिंग का देख लें, अकाउंटिंग ये यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, अकाउंटिंग ये यहाँ पर, चूँकि क्रिसडेल जो है वो अकाउंटिंग के उसमें नहीं है, तो आप मिस्टर हैरिस के आप चेक कर लें, मिस्टर हैरिस, ये देखिए 93 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है। अब आप इसको डिसेमल प्लेस से जो आप रिड्यूस कर लें, तो ये अब हैरिस के बगैर क्या होगा, हैरिस के बगैर 84 है अकाउंटिंग की एवरेज। और अगर हम सेकंड क्राइटेरिया जो हमारे पास वो क्या था कि मिस्टर हैरिस के साथ हमारा जो एवरेज है वो कितना रहा है, तो आप यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया जो है वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट आईडी जो है वो भी आप क्राइटेरिया दे सकते हैं, और ग्रेड्स जो है वो भी आप क्राइटेरिया दे सकते हैं। अब सेकंड जो डेटाबेस फंक्शन है वो हमारे पास है डीसम। अब डीसम जो है इस सिनेरियो में तो ये हमारे पास ये जो सारा डेटा है इसको सम करेगा, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर सेल्स हैं, लेट सपोज हम ये जो ग्रेड्स हैं इसको हम सेल्स वो कर लेते हैं, इसको आप सेल्स कर ले फॉर द टाइम बीइंग। सेल्स कर ले, और यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है ये आपके जहन में है कि ये जो क्राइटेरियाज के जो सेल्स हैं, ये जो फील्ड्स हैं, इसके नेम बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह के होने चाहिए। अब अगर हमारे पास ये सेल्स हैं तो हम इस ये जो सेल्स हैं इसको हम सम करना चाह रहे हैं क्राइटेरिया के, अकाउंटिंग में मिस्टर हैरिस ने कितने सेल्स किए हैं। अब मिस्टर हैरिस को मैं हटा लेता हूँ, अकाउंटिंग के टोटल हमारे पास सेल्स कितने हैं, डी इज इक्वल टू डी सम ब्रैकेट्स, और हमारे पास डेटाबेस कहाँ पे है, डेटा में है, ये देखें डेटा, इसको मैंने रिनेम किया है, ये डेटाबेस है हमारे पास ये वाला। फिर इसके बाद कॉमा, फील्ड हमारे पास कौन सा है जिस पे हम सम करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये सेल्स है, सेल्स का फील्ड जो है इसको आप इन्वर्टेड कामाज में, आप इसको इन्वर्टेड कामाज में ही देखें, मैंने दो इन्वर्टेड कामाज लगाई है, तो हमारे पास जो फील्ड होगा वो क्या होगा, सेल्स। फिर इसके बाद क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, ये क्राइटेरिया आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह, और आप इसको लिख भी सकते हैं जिस तरह मैंने इसको नेम रेंज में कन्वर्ट किया था। इसके बाद
ये देखिए अकाउंटिंग के टोटल जो सेल्स हैं वो क्या है, वो 589 जीरो है। अब अगर हम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स को अगर हम सेल्समैन मान लें तो हम उसके एवरेज जो है उसके उसका जो सम है वो कितना होगा। तो अकाउंटिंग का एक हम मिस्टर हैरिस को उठा लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। देखिए अभी देखिए 281। तो इस तरह से आप डी सम जो है इस तरह आप किसी और को मास्टर इंग्लिश लिटरेचर का आप कर लें कॉपी। यहाँ पर क्लास हमारे पास क्या है, इंग्लिश लिटरेचर है, ये ज़ीरो आ रहा है क्योंकि मिस्टर हैरिस जो है वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ाते, मिस्टर जॉनसन पढ़ाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हम इंस्ट्रक्टर को पेस्ट कर लेते हैं, तो 205। मिस्टर जॉनसन कंट्रोल जेड हम कर ले, मिस्टर जॉनसन के बाद 0.0 आ रहा था और अब मिस्टर जॉनसन के बाद क्या आ रहा है, सॉरी मिस्टर मिस्टर जॉनसन, और पेस्ट कर ले आप, तो 205 आ रहा है। इस तरह इंग्लिश लिटरेचर का कोई और आप देख ले, इंग्लिश लिटरेचर मिस्टर एपिल्सन जो है उसको आप देख ले, कॉपी कर ले और इस तरह आप इसको पेस्ट कर ले, तो ये 74 आ रहा है। तो इस तरह से आप क्राइटेरिया के बेसिस पर आप जो है वो डेटाबेस से वैल्यूज़ जो है वो आप सम कर सकते हैं। अब थर्ड जो इस ये जो फंक्शन है इस डेटाबेस फंक्शन में वो डी सम सॉरी डी मैक्स फंक्शन है। अब डी मैक्स फंक्शन जो है वो किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको मैक्स जो वैल्यू है वो आपको करके देता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये अकाउंटिंग, ये देखें ये इसको मैं अकाउंटिंग हमारे पास क्राइटेरिया हो गया है और इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब अकाउंटिंग में हम मैक्स, ये जो हमारे पास अकाउंटिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, देखें अकाउंटिंग अकाउंटिंग और अकाउंटिंग और इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम यहाँ पर इसमें से मैक्स मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो इज इक्वल टू डी मैक्स जो है, डी मैक्स और इसके बाद ब्रैकेट्स। अब डेटाबेस हमारे पास डेटा में है, ये देखें डेटा, ये हमारे पास डेटाबेस है। फील्ड हमारे पास जो वो ये सेल्स हैं, अब ये ग्रेड्स जो है वो हम अगर इसमें से ये सेल्स को ग्रेड्स कर लेते हैं तो इसको हम सेल्स ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो फील्ड नेम है वो सेल का ही आ रहा है। तो हम इसमें हम सेल्स और फिर इसके बाद क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्राइटेरिया है, यहाँ पर हमने जो क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया है उसके थ्रू हम अब एंटर कर ले, तो ये 98 जो है इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलस में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप को चाहिए तो आप कैलकुलस यहाँ पर पेस्ट कर दे, कि कैलकुलस में मैक्सिमम 88 है। अब अगर इसके साथ आप सेकंड जो इंस्ट्रक्टर है वो भी आप क्राइटेरिया में इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर से इंस्ट्रक्टर जो है कैलकुलस का, यहाँ पर मिस्टर क्रिसडेल है तो यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर दे, देखें 86 आ रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्राइटेरियाज के बेसिस पर आप मैक्सिमम भी जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब फोर्थ जो फंक्शन है वो है मेन फंक्शन। अब ये बिल्कुल जो मैक्स फंक्शन है इसके बिल्कुल अपोजिट में ये काम करता है और ये मेन जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको करके इसमें से दिखाता है। अब कैलकुलस में ये देखें इसको मैं हटा लेता हूँ, इज इक्वल टू डी मिन, फिर डेटाबेस हमारे पास क्या है, डेटा है, फील्ड हमारे पास सेल्स है, सॉरी इसको हम जो इन्वर्टेड कॉमास है उसमें हम लिखेंगे सेल्स, और इसके बाद क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, सी आर आई टी, सॉरी सी आर आई टी, ये हमारे पास क्राइटेरिया है, आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और ये देखें 74 जो है कैलकुलस का मिनिमम जो आ रहा है। इस तरह आप मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो भी आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप के आपको डेटाबेस फंक्शंस जो है डी एवरेज, डी सम, डी मैक्स और डी मेन जो फंक्शन है वो आपको अब समझ गए होंगे आप उसके बारे में। अगर आपको इस ये जो वीडियो है इसमें अगर आपको कोई इशू हो तो आप वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है उस पर जाकर आप कमेंट्स जो है उस पर कर सकते हैं और हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे जो पिछला वीडियो है उसको आप ज़रूर वॉच वॉच कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर हमने ये जो डेटाबेस फंक्शन है उसके जो कंपोनेंट्स है उसको हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच।